खगड़िया जनपद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सांसद वीरेंद्र सिंह के संसद में प्याज के बढ़ती कीमतों पर दिए गए बयान पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जगह जगह कांग्रेस पार्टी के लोग प्याज की माला पहनकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि यह ओछी राजनीति है। दरअसल देश की सबसे बड़ी लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान ने भूचाल ला दिया है। और जिस प्याज के सहारे बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था और बीजेपी ने राजनीति की थी, लेकिन आज इसी प्याज पर कांग्रेस भी बीजेपी की तरह उल्टा दाव चला रही है। सरकार प्याज के बढ़ते भाव को रोकने में नाकाम साबित हुई है। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सांसद वीरेंद्र सिंह का लोकसभा में प्याज पर दिया बयान महंगा पड़ रहा है। हम लोग देश की बड़ी पंचायत में लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण जी के अति संवेदनशील बयान, जो निंदनीय है, जो जनता से जुड़ा है, वो प्याज नहीं खाती हैं, लहसुन नहीं खाती हैं, इस तरह का बयान हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है। मोदी सरकार उनको तत्काल बर्खास्त करे इसकी मांग को लेके। और प्याज, बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने भी लोकसभा में अति निंदनीय शब्द को कहा है बलिया में कि प्याज 25 रुपये किलो मिल रही है। अभी हम लोग प्याज का माला पहन के अपना विरोध प्रदर्शन कांग्रेस जन दर्ज करा रहे हैं। निश्चित रूप से प्याज बलिया में भी 110 रुपये किलो मिल रही है। और उत्तर प्रदेश और देश की योगी जी और मोदी जी की सरकार जनता के बुनियादी सवालों पर फेल हो चुकी है। माननीय प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोग इस आंदोलन को सड़क से लेकर और सदन तक अपना विरोध प्रदर्शन कराएंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे।